हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के बारे में, और पेपर नंबर 3 हम आपका डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें आपका यूनिट नंबर 2 तक तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा दिया है, और यूनिट नंबर 3 हम इस समय चल रहा है आपका यूनिट नंबर 3। और इसमें हमने डे नंबर 2 तक आपका, यानी कि 2 दिन 2 वीडियोज आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया है। और आज की हमारी वीडियो है डे नंबर 3 पर। डे नंबर 3 यानी कि आपका यूनिट नंबर 3 का ये तीसरा वीडियो है डे नंबर 3 के रूप में। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि दो वीडियो में हमने दो दो क्वेश्चन करके 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा लिया, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन हमने पूरा आपका कंप्लीट करवा लिया है। तो अब बात करने वाले हैं हम 4 क्वेश्चन के बाद आगे क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपका आएगा 5th नंबर का क्वेश्चन एंड 6th नंबर का क्वेश्चन। तो देखते हैं, जहां तक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने कहां तक डिस्कस किया हुआ था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 5th नंबर का क्वेश्चन कि संस्कृति के वर्गीकरण पर प्रकाश डालो। संस्कृति कितने टाइप्स की आपको पता है, भौतिक संस्कृति होती है और अभौतिक संस्कृति होती है। तो इसका वर्गीकरण करेंगे तो यही 2 रूपें आएंगे। तो इन दोनों के बारे में बताना है, इन दोनों पर अच्छे तरीके से जो है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि संस्कृति को वर्गीकरण करो या भौतिक संस्कृति और जो आपका अभौतिक संस्कृति है इसकी विवेचना करो, तो आप किस तरीके से करोगे इसके बारे में बात करनी है। तो देखो, अगर हम बात करें संस्कृति के वर्गीकरण की ना, तो जो संस्कृति की अवधारणा है, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि संस्कृति की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हुए अमेरिकन विद्वान अकबर ने कहा हुआ है कि संस्कृति को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है, एक भौतिक और दूसरी क्या हो जाएगी, अभौतिक संस्कृति। अब संस्कृति के अकबर द्वारा दिए गए वर्गीकरण की आलोचना भी हुई। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने भौतिक अभौतिक संस्कृति की चर्चा की है। संस्कृति हमें परंपराओं और पूर्वजों से विरासत के रूप में मिली हुई है, तो परंपराओं और पूर्वजों की उपलब्धियों में केवल ज्ञान, दर्शन, कलाएं और जीवन शैली ही नहीं आती है, बल्कि भौतिक उपलब्धियां भी आती हैं। और संभवतः इसी कारण से भौतिक संस्कृति को भी संस्कृति के अंतर्गत ही माना गया है। अब हॉबेल और टायलर द्वारा दी गई संस्कृति की परिभाषाओं में भी अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक खोजों और आविष्कारों पर प्रकाश डाला गया है कि हाँ, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज पर भी उन्होंने प्रकाश डाला हुआ है और बताया हुआ है। तो देखते हैं, भौतिक संस्कृति की एक और विशेषता यह है कि इसमें परिवर्तन की गति काफी तेज होती है, विशेष तौर पर आज के युग में यह और भी तेज हो चुका है परिवर्तन की अगर दर देखोगे आप। अब भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वस्तुओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि व्यक्ति सभी का एक साथ उपयोग भी नहीं कर सकता है, अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार जो है अनेक उपलब्ध वस्तुओं में से कुछ को चुन करके उनका क्या करता है, उपयोग करता है। और इसी से यह कहा जाता है कि भौतिक संस्कृति जो है वैकल्पिक है, वो चीज मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपके पास हमेशा ही होगी, वो ऑप्शनल की तरह आपके पास रहती है, आपके सामने रहता है। अकबर ने यह भी कहा है कि जैसे जैसे व्यक्तियों की योग्यताएं और अभिरुचियों में परिवर्तन होता है, योग्यताएं अलग होती हैं, उनकी रुचियां अलग होती हैं, तो भौतिक संस्कृति के स्वरूप में भी क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत यह भी कहा जाता है कि भौतिक संस्कृति में हो रहे परिवर्तन को सरलता से नापा जा सकता है और दूसरे समूहों द्वारा आसानी से क्या किया जा सकता है, ग्रहण भी किया जा सकता है। दूसरे देशों के रहन सहन और सामाजिक मूल्यों को हम आसानी से नहीं अपना सकते हैं, जबकि दूसरे देशों में प्रचलित जो भौतिक वस्तुएं हैं हम उनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। यानी कि दूसरे देशों में अगर कुछ मान्यताएं हैं, कुछ उनकी सांस्कृतिक चीजें हैं, तो उसको हम आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अगर किसी भौतिक चीज का यूज कर रहे हैं, मान लो उन्होंने कोई नए फीचर का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो वो हम भी यूज कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर उनकी कोई सभ्यता है, उनकी कोई संस्कृति है जो कि अभौतिक रूप की है, जो उनकी कुछ मान्यताएं हैं, तो उसको हम आसानी से जो है अपनाएंगे नहीं। ऐसा होता है, आपने ये चीज देखी होगी। बीरस्टीड ने भौतिक संस्कृति के सभी तत्वों को जो है 13 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रयास किया हुआ है। बीरस्टीड ने भौतिक संस्कृति को कहा है कि ये 13 चीजों में ये भौतिक संस्कृतियां हमें देखने को मिलती हैं। अब उसमें 13 चीजों में क्या है, तो वो देख सकते हैं आप। इन्होंने कहा है कि मशीनें हैं, बर्तन हैं, उपकरण है, भवन है, सड़कें हैं, पुल हैं, शिल्पकलाएं हैं, कलात्मक वस्तुएं हैं, वस्त्र हैं, वाहन है, फर्नीचर है, खाद्य पदार्थ हैं और औषधियां हैं। तो इस विभाजन के द्वारा वीरस्टीड ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि भौतिक संस्कृति का तात्पर्य उन सभी वस्तुओं से है जिसका मनुष्य ने निर्माण किया हुआ है और उसे उपयोग के लिए क्या करता है, मनुष्य अपने पास रखता है, तो उसको कहा जाता है भौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति की अगर बात करें, भौतिक संस्कृति हमने देख लिया कि फिजिकल रूप में मनुष्य ने जिसका निर्माण किया है, जिसको वो अपने यूज के लिए अपने पास रखता है, जिसका उपयोग करता है, वो कहलाता है आपका भौतिक संस्कृति।
अभौतिक संस्कृति की बात करें तो अवधारणात्मक स्तर पर अभौतिक संस्कृति जो है वो भौतिक संस्कृति से बिल्कुल ही अलग है। अर्थात अभौतिक संस्कृति क्या है? अमूर्त है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं। इसका रूप जो है स्थूल होता है और ये विचारों और विश्वासों के माध्यम से हमारे व्यवहार में ये चीज देखने को मिलता है, हमारे विचारों और हमारे जो है सोच के माध्यम से ये चीज हमें समझ में आती है, देखने को मिलती है। अधिकांश विद्वानों ने संस्कृति को उसके अभौतिक पक्ष के आधार पर ही परिभाषित किया है कि संस्कृति क्या है। उनका अभौतिक पक्ष, उनकी मान्यताएं, उनकी सोच, उनकी परंपराएं, उनकी प्रथाएं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है धर्म का रूप लेती हैं, मतलब संस्कृति का रूप ले लेती हैं। विशेष तौर पर सामाजिक मानव शास्त्र के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो संस्कृति को अभौतिक तत्वों का ही संकलन माना गया है कि जो संस्कृति है वो क्या है, अभौतिक तत्वों का क्या है, संकलन है। अब अभौतिक संस्कृति के अनेक उदाहरण दिए गए हैं जिसे हम अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में पाते हैं, जैसे कि कुछ कलाएं हो गया, विश्वास हो गया, जनरीतियां हो गई, लोकाचार हो गया, सामाजिक वैल्यूज हो गए, धर्म हो गया, विज्ञान हो गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम अपने पूर्वजों से ग्रहण करते हैं और पूर्वजों से पाते हैं। अगली चीज इसमें आती है सामाजिक प्रक्रियाओं और मानव व्यवहारों को जब हम गौर से देखते हैं तब हमें ये पता चलता है, ये चीज जानकारी होती है कि संस्कृति का अभौतिक पक्ष भौतिक पक्ष की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। यदि भौतिक पक्ष से हमारा अनुकूलन नहीं होता है या भौतिक संस्कृति की किसी वस्तु को हम नहीं अपनाना चाहते हैं तो सामाजिक अस्तित्व के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन अगर हम अभौतिक संस्कृति से हमारा अनुकूलन नहीं होता है तो यह हमारे सामाजिक तिरस्कार, व्यंग, इन सभी चीजों का आपको सामना करना पड़ता है। अभौतिक पक्ष हमारे व्यक्तिगत अंग होता है, हमारे व्यक्तित्व का एक पार्ट होता है कि हम क्या चीजें मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस रिलीजन को मानते हैं, हमारे क्या विश्वास है, हमारी क्या प्रथाएं हैं, उससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है आप उसका यूज करो ना करो, कुछ लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोगों का जो है मशीनों को यूज करने के लिए करके अलग सोच है, कुछ लोगों का अलग सोच है, लेकिन जो प्रथाएं हैं, जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, वो चीजें मानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दुनिया के किसी भी कंट्री का आप कोई भी भौतिक चीज, कोई भी मशीन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसका आप यूज कर सकते हो, लेकिन हर किसी की आप संस्कृति को, मतलब उनकी जो अभौतिक संस्कृतियां हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनका रीति रिवाज है, उसको अपनाना इतना आसान नहीं होता है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि हमारे व्यक्तित्व का एक पार्ट बन जाता है। संभवतः इसी कारण यह कहा जाता है कि इसमें परिवर्तन लाना काफी कठिन होता है। इसकी प्रकृति तुलनात्मक दृष्टि से स्थिर होती है, एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए यह हमें रोकती है या हमें बाध्य करती है कि हम एक तरीके का क्या करें, व्यवहार करें। संस्कृति के तत्वों की चर्चा करते समय हमने यह देखा कि बीरस्टीड ने विचार को अभौतिक संस्कृति का एक तत्व माना है, कि हमारे जो विचार, हमारे जो सोच समझ है वो अभौतिक संस्कृति का एक पार्ट है। समाज में समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचारों और विश्वासों का पनपना हमने देखा और विकसित होते रहे ये चीज़ें। समाज के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो उसका पालन करेंगे। बीरस्टीड ने कहा है कि समाज के में विभिन्न प्रकार के विचार मिलते हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं गिन सकते हैं, फिर भी अध्ययन की सरलता के लिए बीरस्टीड ने 9 भागों में इन विचारों को बताया हुआ है। जैसे कि इसमें कुछ आती हैं वैज्ञानिक सत्यता, धार्मिक विश्वास हमारे धर्म को लेकर के, पौराणिक कथाएं हो गई, उपाख्यान हो गया, साहित्य हो गया, अंधविश्वास हो गया, सूत्र हो गए, लोक रीतियां हो गई, लोक गाथाएं हो गई। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं ऊपर दिए गए जो विचार हैं, ये विचार किस श्रेणी में आते हैं और ये कहीं ना कहीं अभौतिक तत्व के रूप में हमें देखने को मिलते हैं कि ये क्या है, अभौतिक तत्व हैं। विचार के साथ साथ बीरस्टीड ने नियमों को भी भौतिक संस्कृति का तत्व माना है, कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी भौतिक संस्कृति के तत्व हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि नियमों का संबंध जो है हमारे व्यवहार करने के तरीके से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, कि हम किस तरीके का बिहेव करते हैं, किस तरीके का व्यवहार करते हैं, वही कहीं ना कहीं हमारे लिए नियम बन जाता है। और प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाता है कि हमारे जो इस रिलीजन को मानने वाले हैं या इस कम्युनिटी के हैं, इस कास्ट के लोग हैं, वो इस तरीके का व्यवहार करेंगे, तो उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता है। यह आशा किया जाता है अपने सदस्यों से कि वो इस नियम का पालन करेंगे। और सभी समाजों में एक जैसे नियम नहीं होते हैं, हर समाज के अपने अलग नियम होते हैं और नियमों की भिन्नता के चलते ही विभिन्न समाज के सदस्यों का व्यवहार भी अलग अलग होता है।
और इस आधार पर भी व्यक्ति समाज के अंत जो है व्यक्ति जो विभिन्न समाज हैं उनमें हमें अंतर देखने को मिलता है कि ये समाज अलग है। अतिथि के स्वागत में हम हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं या पैर छू करके आदर करते हैं, जबकि पश्चिमी देशों में आप देखोगे तो हाथ मिलाने की परंपरा है। तो यहां पर उद्देश्य एक ही है कि अतिथि का स्वागत करना है, लेकिन नियम जो है वो हमें अलग कर देते हैं कि किसी का नियम है कि पैर छू करके आपको नमस्कार करना पड़ेगा या पैर छू करके उनका स्वागत करना है, किसी का है कि हाथ मिला करके स्वागत करना है। लेकिन नियमों की भिन्नता के कारण ही क्या होते हैं, ये हमें अलग दिखाई देते हैं। और नियमों की जो विभिन्न श्रेणियां हैं, जो विचारों की श्रेणियां हैं, ये कहीं ना कहीं अभौतिक संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति में क्या चीजें अलग हैं, क्या चीज हमें अलग देखने को मिलती हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहां आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक विलंबना पर प्रकाश डालो, कि सांस्कृतिक विलंबना आखिर होती क्या है, इस चीज को अच्छे तरीके से समझाइए कि आखिर सांस्कृतिक विलंबना है क्या। तो सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादन जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री आगबर्न है और निमकाफ, इन्होंने किया हुआ था। और इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया किस टाइप की है, किस तरह की है। आगबर्न के अनुसार संस्कृति का तात्पर्य जो होता है वो मनुष्य द्वारा निर्मित सभी तरह के भौतिक और अभौतिक तत्व हैं। और अंग्रेजी में लैग जो शब्द है इसका अर्थ होता है पिछड़ जाना या लड़खड़ाना या लंगड़ाना। और इस प्रकार हम संस्कृति में लैग की बात करते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि संस्कृति का कोई तत्व जो है वो दूसरे की तुलना में क्या हो, पिछड़ जाए या छूट जाए, वही कहलाएगा आपका कल्चरल लैग। और आगबर्न ने अपने कल्चरल लैग या सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत में यह समझाने का प्रयास किया हुआ है कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है, यानी कि जो भौतिक संस्कृतियां हैं भौतिक रूप में आप दुनिया देखोगे तो बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है, लेकिन अभौतिक संस्कृति क्या है, धीमी है। तो इस वजह से दोनों में क्या हो रहा है, लैग आ रहा है। परिवर्तन के इस असमान गति के कारण भौतिक संस्कृति आगे निकल गई है और अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। आप देखोगे दुनिया में हम तमाम सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करने लगे हैं, इंटरनेट आ गया है, 5G की बात कर रहे हैं, 6G 7G आने वाला है, दुनिया बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, भौतिक रूप से पूरा चेंज हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक पर सारी चीजें आ गई हैं, फिजिकल रूप में मनुष्य कुछ करना नहीं चाहता, डिजिटल हो गया है, लोग एक जगह पर बैठ करके दुनिया पर बात करते हैं, लेकिन जो मान्यताएं हैं, जो आपका रिलीजन है, जो धर्म है, जो प्रथाएं हैं, उसके साथ कंप्रोमाइज अभी तक नहीं हुआ है, या वो चीजें आप देखोगे हजारों साल पहले जैसा था, बस थोड़े बहुत चेंजेस आए हुए हैं वो भी बड़ी रिजिडिटी के साथ। तो अभौतिक संस्कृति कहीं ना कहीं भौतिक संस्कृति का साथ नहीं दे पा रहा है, और इस तरीके से कहा जा रहा है कि इसे ही सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। और आगबर्न ने जो है वो विलंबना की प्रक्रिया को थोड़ा और विस्तार से समझाने का प्रयास किया हुआ है कि अगर हम इसको और अच्छे तरीके से समझें तो संस्कृति के सभी भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अर्थात संस्कृति के विभिन्न भाग आपस में क्या है, अंतर संबंधित है। दूसरी ओर संस्कृति के विभिन्न भागों में परिवर्तन के जो गति है उसमें समानता नहीं है, अर्थात कुछ भागों में परिवर्तन तेजी से हो रहा है और कुछ भागों में धीरे धीरे हो रहा है। तो संस्कृति के एक भाग में परिवर्तन जब तेजी से होगा और दूसरा भाग जो है वो अभियोजन की आवश्यकता होती है, तो इस तरीके से जब संबंधित होंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही। जैसे उद्योग जो है वो भौतिक संस्कृति है और औद्योगिक क्षेत्र में रहन सहन के जो ढंग है वो अभौतिक संस्कृति है, जो कि संस्कृति के ही दो पार्ट हैं जो आपस में गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। तो औद्योगिक तीव्र गति है, उद्योग का तीव्र गति है, तो उसके कारण ये चीजें जो है तालमेल नहीं कर पाती हैं। इसके साथ साथ वहां के निवासियों की जीवन शैली में परिवर्तन काफी आवश्यक है अगर चीजें बदल रही हैं तो, और तभी समाज में सांस्कृतिक संतुलन बना रह सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सांस्कृतिक संतुलन नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा होता है कि एक विशेष प्रकार की जीवन शैली के हम आदि हो चुके होते हैं, एक विशेष प्रकार की हमारी हैबिट्स बन चुकी होती हैं और हम उसी जीवन शैली के रूप में रहना चाहते हैं जिसमें हम परिवर्तन सरलता से नहीं करना चाहते हैं, और यह परिवर्तन सरलता से होता भी नहीं है। इस तरह अभौतिक संस्कृति जो है वो भौतिक संस्कृति से पीछे छूट जाती है और सांस्कृतिक असंतुलन की स्थिति जो होती है वो उत्पन्न होने लगती है। और आगबर्न के अनुसार किसी आविष्कार अथवा खोज के कारण जहां संस्कृति का एक भाग पहले बदलता है और वहीं संस्कृति से संबंधित दूसरे पक्षों में परिवर्तन जो है वो देरी से होता है, विलंब से होता है, तो संस्कृति के भौतिक तत्वों की प्रकृति के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना की ये जो सीमा है वो विभिन्न चीजों को दर्शाती है कि एक दूसरे से किस तरीके से मतलब छूट जा रहे हैं, पीछे छूट जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। ओके,
सांस्कृतिक विलंबना के और उदाहरण को अगर हम ध्यान से समझें तो और भी उदाहरण हम दे सकते हैं जो हमारे सामाजिक जीवन में हम देखने को मिलते हैं। जैसे कि आज के वैज्ञानिक युग में संस्कृति के जो भौतिक पक्ष हैं उसमें तमाम सारे क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलती हैं। खेती हो गया, उद्योग हो गया, इन सभी के क्षेत्रों में नई नई मशीनें आ गई, औजारें आ गए जिनका आविष्कार हो गया। संचार और परिवहन के क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन आ गए जिसकी कल्पना भी आज से 50 साल पहले हम कर भी नहीं पा रहे थे कि ऐसी चीजें भी हो जाएंगी। कोई हवा में उड़ करके जा सकता है, ऐसा कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन दूसरी ओर हमारे जो विश्वास है, हमारे जो प्रतिमान है, हमारे जो लोकाचार है, मान्यताएं हैं, उसमें क्या इतनी तीव्रता से परिवर्तन हुआ है? अब ध्यान देकर के बताओ क्या ऐसी चीजें हुई हैं? अगर हम कहें तो ये अब भी लगभग वैसे ही है जैसे कि आज से 100 साल पहले थे, और शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम ऐसा कहें कि आज से 100 साल पहले जैसा था वैसा ही आज भी है। जन्म हो गया, विवाह हो गया, मृत्यु हो गया, इन अवसरों के पे जिस प्रकार के कर्मकांड को हम आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले करते थे, जिन विश्वासों को मानते थे, उससे यही स्पष्ट होता है कि परिवर्तन नहीं के बराबर हुआ है, क्योंकि वही चीजें हम लगातार करते जा रहे हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है वो आगे निकल गया है और जो अभौतिक पक्ष है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। अब अकबर महोदय ने 1947 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक थी ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में इन्होंने इस चीज को व्यक्त करते हुए लिखा है सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा है कि सांस्कृतिक विलंबना वो तनाव है जो तीव्र और असमान गति से परिवर्तित होने वाली संस्कृति के दो परस्पर संबंधित भागों में क्या होता है, विद्यमान रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। अकबर और निमकाफ के इस कथन से स्पष्ट होता है कि जो सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति है उसमें केवल जो है अभौतिक संस्कृति ही पीछे नहीं रहती है। सांस्कृतिक विलंबना में संस्कृति के दोनों भाग में कोई भी भाग पीछे रह सकता है। और आरंभ में अकबर ने यह माना था कि भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति जो है वो पीछे रह जाती है, और यही सांस्कृतिक विलंबना कहलाती है। किंतु अकबर ने इसे सुधार किया और फिर कहा कि विलंबना की स्थिति में हमेशा अभौतिक पक्ष ही पिछड़ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी भौतिक संस्कृति भी अभौतिक की तुलना में काफी पीछे छूट जाती है। अतः अपने परिवर्तन के विचार में अकबर ने इस बात पर बल दिया है कि सांस्कृतिक विलंबना में संस्कृति का कोई भी एक भाग पीछे छूट सकता है, कोई भी भाग पीछे छूट गया तो सांस्कृतिक विलंबना ही कहलाएगी। अभौतिक पक्ष के आगे निकल जाने के समर्थन में भी उदाहरण दिया गया है कि अभौतिक जो पक्ष है आप कह सकते हो कि ये पक्ष कैसे आगे निकल जाएगा, ये तो पीछे ही है, ये चीज हमने पीछे देखा हुआ है कि ये चीज हमेशा पीछे ही रहती है, आगे नहीं निकल पाती है। तो इसके पक्ष में भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि आप प्राचीन भारत में देखो दर्शन जो था, ज्ञान, कला, ये काफी विकसित था, जबकि जीवन के जो भौतिक चीजें थी उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़ापन था। इसका कारण यही है कि भारत प्राचीन से ही जीवन के भौतिक पक्ष को उतना महत्व नहीं देता था। लगभग यही स्थिति प्राचीन यूनान की भी रही थी, जिसमें आप देखोगे कि प्लेटो, अरस्तु जैसे विद्वान जिनके विचारों और दर्शन को हम आज पढ़ रहे हैं, जिन्होंने जो है अभौतिक संस्कृति को विकास की चोटी पर लाकर के खड़ा कर दिया था, उस समय वहां की संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है वो अभौतिक पक्ष से काफी पीछे था, और संभवतः इस जो है उनकी संस्कृति के भौतिक पक्ष के पिछड़ेपन के कारण ही जो है प्राचीन यूनान रोम के साथ युद्ध में हारता रहा। और यही कारण रहा कि युद्ध के उत्पन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों यानी कि जो भौतिक संस्कृति है उसकी यूनान के पास कमी थी। और सारांश में यह कहा जा सकता है कि संस्कृति का कोई भी पक्ष दूसरे की तुलना में यदि कम परिवर्तन हुआ तो सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि सांस्कृतिक विलंबना वो स्थिति है जहां पर संस्कृति का कोई भी पक्ष, चाहे भौतिक पक्ष हो या अभौतिक पक्ष है, कोई भी पीछे छूटता है तो वो चीज क्या कहलाएगी, ये सांस्कृतिक विलंबना है, तो वही चीज कहलाएगी। तो ये था हमारा 5th और 6th नंबर क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज वेलेबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपका 5th नंबर क्वेश्चन और 6th नंबर क्वेश्चन कवर कर लिया है। आगे आने वाली वीडियोज़ का आप नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। शेयर टू योर फ्रेंड्स जिससे कि उनकी भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।